देखो बेटा, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स नंबर 10। और ये बेस्ड है लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन दे ऊपर, और ये असाइनमेंट नंबर 2 है लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन दी। बट तो ओवरऑल जो है सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स द यूनिट मतलब पार्ट नंबर 10 है। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करो, क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव जस्ट लैंडेड ऑन ए प्लैनेट एक्स। तो अगर तुसी एक प्लैनेट के ऊपर लैंड कर दे, यू टेक आउट 100 ग्राम बॉल, तो थोड़े को एक बॉल है जिसका मास है 100 ग्राम इज इक्वल टू 0.1 kg, और तुसी उस बॉल नू रिलीज कर दे हैं फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर। और तुसी नोट की कर दे हैं बेटा कि वो जड़ी बॉल है वो 2.2 सेकेंड बाद ग्राउंड ते पहुंच जाती है ना, सरफेस ऑफ प्लैनेट ते पहुंच जाती है। यू कैन इग्नोर एनी फोर्स ऑन द बॉल फ्रॉम द एटमोसफियर ऑफ द प्लैनेट। तो आप एटमोसफियर ऑफ प्लैनेट नहीं कंसिडर करना, सिर्फ ग्रेविटी कंसिडर करना ना, ड्यू टू मास ऑफ द प्लैनेट। हाउ मच डज द 100 ग्राम बॉल वे ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट एक्स। हूँ एक्चुअली क्वेश्चन था वो ये पूछ रहा कि उस बॉडी का वेट निकालने लिए थानू फार्मूला एम जी यूज करना पैना, सिंपल केस है। बट अर्थ दे लिए तो जी सानू पता ही है 9.8 मीटर पर स्क्वेयर सेकेंड या 10 है ना। बट इस अननोन प्लैनेट के ऊपर उसने सानू आ दो कंडीशंस दितियां वा, और तीसरी है बॉल, क्योंकि रेस्ट तो रिलीज हुई है। यू एच एच एस बेसिकली एस ही है, तो तुसी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर फार्मूला लगा के तो ए निकाल लेना बेटा। तो ए बेसिकली जी दे बराबर आएगा ऑन द प्लैनेट, प्लैनेट लई तो इनू मैं जीपी कर देना ना, तो ए दी वैल्यू जीपी दे बराबर है ना। तो एस 10 है, यू 0 है, हाफ जीपी, और टी दी वैल्यू बेटा 2.2 स्क्वेयर है, तो इतों जीपी आ जाएगा ना थोड़ा। तो उसनों इतने पुट करके तुसी वेट ऑफ बॉडी या वेट ऑफ बॉल ऑन दी सरफेस ऑफ दैट प्लैनेट निकाल सकते हैं ना। तो एक्चुअली ये कंसेप्ट है, तो ये लिए थानू हुण समझ होनी चाहिए है कि वेट किदा निकाली दा, और प्लस जी दी वैल्यू जड़ी है वो अगर अननोन है साडे लिए तो उन्हों बाकी गिवन कंडीशन तो किदा निकालना ना। तो ये साइमल्टेनियसली नाल नाल चलना वा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, ए 75 kg मैन स्टेप्स ऑफ ए प्लेटफॉर्म 3.10 मीटर अबव द ग्राउंड एंड ही कीप्स हिज लेग्स स्ट्रेट एज ही फॉल्स, बट एट द मोमेंट हिज फीट टच द ग्राउंड हिज नीज बिगिन टू बेंड एंड ट्रीटेड एज ए पार्टिकल ही मूव्स एन एडिशनल 0.60 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। उन गल समझो पुत, हुणे दे च ध्यान दिओ। हुण एक परसन है जिहड़ा जिसका मास 75 kg है और प्लेटफॉर्म की ऊंचाई है, तो इतों जंप कर रहा ना, नीचे गिर रहा वा, स्टेप्स ऑफ है ना, नीचे गिर गया अपने आप, मतलब U0 ही है। तो हुण जदों वो पैर जमीन नाल टच करनगे तां उहदी वेलोसिटी की होएगी बेटा, तो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो एच दी वैल्यू एस दे बराबर ही है, और ए स्मॉल जी दे बराबर है, और उहदी वैल्यू तुसी अर्थ दे लई तो इथों तुसी वी निकाल लेना बेटा। अच्छा हुण इहनू स्टेटमेंट नू दोबारा स्टेटमेंट नू पढ़ूंगे तो समझ लगेगी कि जिद्दां मान लो अगर तुसी एक पर्टिकुलर हाइट तो जंप कीता
और थोड़ी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट है बुत, है ना। तो थोड़ियाँ पहले आके पैर जमीन नाल टच करेंगे, तो पैर टच करन तो बाद थोड़े जेडे नीज है, गोडे है, तो तुसी फिर उन्होंने बेंड करके थोड़ा थले नू आऊंगे, है ना, गोडियां दो। अच्छा हुण होया की है, जिदा ही थोड़े पैर जमीन नाल लगे, तो जिदा ही पैर थोड़े जमीन नाल टच किए तो अर्थ के नाल कॉन्टैक्ट बनन करके अर्थ ने थोड़े पैरों पर नॉर्मल रिएक्शन लगा देना, है ना, नॉर्मल रिएक्शन। तो इस नॉर्मल रिएक्शन ने जदों शुरू होना उस वक्त थोड़ी स्पीड कितनी है, 20 है। और उस तो बाद जदों तुसी नीज़ नू बेंड करके थल्ले नू आना वा और अल्टीमेटली रुक जाना, तो थोड़ी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जानी। हुण तुसी निकालना की है बेटा, और जदों तुसी पैर जमीन नाल टच होने तो बाद उस वक्त थोड़ियां लेग्स स्ट्रेट है, पर जिदा टच होने तो बाद थोड़े नीज़ नीचे नू आ रहे हैं, तो तुसी एडिशनल कितना डिस्टेंस होर मूव किते हैं, 0.6 मीटर। मतलब आ वाला पोर्शन अलग सी बुत, ये एस दिता सी 3.10 मीटर, हुण आ पोर्शन दे लई जो फाइनल वेलोसिटी 0 है बट इनिशियल वेलोसिटी वी दे बराबर हो गई है ना, जिहड़ी पहले पार्ट दी फाइनल वेलोसिटी सी वो दूसरे पार्ट लई इनिशियल वेलोसिटी है, और दूसरे पार्ट दी फाइनल वेलोसिटी 0 है और एस दी वैल्यू हुण दूसरे पार्ट लई इन्नी दित्ती है। हुण इत्थों तुसी वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 AS, पर हुण इहदे ध्यान रखियो हुण इत्थे ए जी नहीं है पुत, हुण इत्थे जिहड़ी बॉडी दी रिटार्डेशन है उहदे लई किहड़ी फोर्स जिम्मेवार है, अर्थ दे नाल कॉन्टैक्ट, एन वाली फोर्स, गॉट इट। तो वट इज इज एक्सलरेशन एज ही स्लोज डाउन, तो हुण इत्थों बेटा वी 0 है और यू दी वैल्यू सैकेंड पार्ट लई वी दे बराबर है, जो कि फर्स्ट पार्ट की फाइनल वेलोसिटी है, एस दिता तो उतों ए निकल आएगी बेटा, ए रिटार्डेशन है तो ए नेगेटिव आएगी। अच्छा कैलकुलेट द एवरेज फोर्स हिज फीट एग्जर्ट ऑन द ग्राउंड, हुण गल नूं समझो, हुण जदों जमीन दे नाल उहदे पैर टच कर गए हैं, तो अगर अर्थ ने टच होने पर उहदे ते नॉर्मल रिएक्शन एन लगाया वा, फोर्स लगाई एन है, तो फिर उहदे पैरों ने कितनी लगाई, एन दे बराबर, और ये एन के बराबर होनी है मास इंटू एक्सलरेशन, ठीक है ना। तो ये क्योंकि आ जड़ा परसन है तो एन ओदे लग रही है, इस करके वो डी एक्सलरेट कर रहा, तो इट मीन्स एन की वैल्यू की होगी मास इंटू एक्सलरेशन। तो इन्नी फोर्स जिनी फोर्स परसन ते अर्थ ने लगानी है उन्नी परसन ने अर्थ ते लगानी है कॉन्टैक्ट करके अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड ला, तो इस कारण करके आ थोड़ा फाइन दो आंसर आ गया, ए भी आ गया एन भी आ गया। तो इस सिचुएशन में थानू समझना पड़ेगा भी किस तरह इनू टैकल करना, है ना, स्टेटमेंट नू फॉलो करो। फिर बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 दे विच द टू ब्लॉक्स इन फिगर आर कनेक्टेड बाय, आ दो ब्लॉक्स है पुत, तो इसका मास है 5 kg, इसका मास है 6 kg, और नाल ही ये उपर नू फोर्स लग रही है 200 न्यूटन, और ईवन जी आ स्ट्रिंग है पुत यदा मास भी है 4 kg, जबकि आम तौर पर स्ट्रिंग मासलैस होंगी है ना, इतने मास दिता होया, तो स्टेटमेंट नू पढ़ो हैवी यूनिफॉर्म रोप विद ए मास ऑफ 4 kg। एक तो आप सिस्टम की एक्सलरेशन निकालनी है पुत, हुण क्योंकि आ जिहड़ा सिस्टम है, तो इस सिस्टम की अगर एक्सलरेशन निकालनी है तुसी, तो हुण इस सिस्टम ते केड़ी केड़ी फोर्स लगनी, देखो ये ते लगनी है इसका वेट 6 g mg, और दूसरा बेटा क्योंकि आ स्ट्रिंग ये नाल अटैच है तो टेंशन T1, और हुण ध्यान दियो हुण इत्थे टेंशन T1 नहीं है, इत्थे T2 होनी है पुत, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग का मास है। अच्छा तो इस करके आ दोनों टेंशन अलग आ जानियां, तो आ गया वेट 5 g, है ना, क्लियर है। अच्छा हुण देखो, ठीक है, अच्छा हुण इस तो इलावा होर देखो गल नूं समझो,
ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਾਸਲੈਸ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਸਲੈਸ ਬਾਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਸ ਹੈ ਪੋਜੈਸ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਵੀ ਆਹ ਬਲੌਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਬਲੌਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਸ 6 kg ਹੈ, ਤੋ ਆਹ ਐਕਚੁਅਲ ਬਲੌਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਸ 5 kg ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਲੌਕ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, 4 kg। ਇਹ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੌਕ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਦੋ ਮਾਸਲੈਸ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ। ਇਹ ਮਾਸਲੈਸ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ F 200 N। ਹੁਣ ਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ 6G। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਆਪਾਂ ਮਾਸਲੈਸ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਸ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਰਾ, ਤੋ ਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ 4G, ਔਰ ਆ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਔਰ ਆ ਗਿਆ 5G। ਹੁਣ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੇਗਾ 6A ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਹਦੇ ਲਈ 200 ਮਾਈਨਸ 6G ਮਾਈਨਸ T1। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਪੁੱਤ 4A ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ T1 ਮਾਈਨਸ 4G ਮਾਈਨਸ T2, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਣੇਗਾ 5A ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ T2 ਮਾਈਨਸ 5G। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ A ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਆ T1 ਕੱਟੇ ਗਏ, T2 ਕੱਟੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੋ A ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨੈਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪੁੱਤ ਨੈਟ ਫੋਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ, ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਮਾਸਿਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵਰਟੀਕਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਦੋ ਮਾਸਿਸ ਔਰ ਪਲੱਸ ਰੋਪ, 3 ਬੋਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 6 + 4 + 5, 15 kg, ਪਰ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? 200 ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਪਵਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਟ ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਮਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 15 kg ਹੈ, ਪਰ ਨੈਟ ਫੋਰਸ 200 ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟ ਫੋਰਸ 200 ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਪਵਰਡ ਹੈ ਔਰ ਵੇਟ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਵਰਟੀਕਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੈ। ਤੋ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਟ ਫੋਰਸ 200 ਮਾਈਨਸ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ 10 m/s ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੇਟ 150 × 10, 15 × 10, 150/15, ਆਉਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਬਾਏ ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਰਟੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਟ ਵੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੋ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਡਿਟੇਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੈਂਸ਼ਨ ਐਟ ਦਾ ਟੋਪ ਆਫ ਦਾ ਹੈਵੀ ਰੋਪ? ਟੋਪ, ਟੋਪ ਦਾ ਮਤਲਬ T1। ਤੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਏ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ, ਤੋ ਉਸ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੋ T1 ਆ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, T2 ਆ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਹੈ ਨਾ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਟੈਂਸ਼ਨ ਐਟ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਹੁਣ
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੱਸੀ ਦੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਪੁੱਤ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਰੀਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਆ ਹੈ 6 kg ਪੁੱਤ ਔਰ ਆ ਹੈ 4 kg, ਹੈ ਨਾ, ਸੋਰੀ 5 kg, ਔਰ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 4 kg ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਪੁੱਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਰੱਸੀ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹਾਫ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਵੀ 2 kg ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ 2 kg ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ 2 kg ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ 2 kg ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਮਾਸਲੈਸ। ਜਦੋਂ ਮਾਸਲੈਸ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ 2 ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, 2 ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੋ ਮਾਸਲੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਏਗੀ TT। ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਤੋ 8G ਔਰ ਆ ਵੀ ਇਹ 7G ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਆ ਐਫ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਔਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ। ਤੋ ਹੁਣ ਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ T ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲਨੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ, 1/4 ਤੇ ਨਿਕਾਲਨੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਤੋਂ 1/4, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਵੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ 1 kg, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ 3 kg, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 3 kg ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, 1 kg ਨੀਚੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲ ਲੈਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਮਾਸਲੈਸ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਪੁੱਤ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4। क्वेश्चन नंबर 4 अकॉर्डिंगली है, यू आर ट्राइंग टू मूव ए 500 न्यूटन क्रेट अक्रॉस ए लेवल फ्लोर। लेवल मीन्स होरिजोंटल फ्लोर आ गया पुत, और उदे ऊपर जिहड़ा क्रेट है उदा वेट 500 न्यूटन है। यू हैव टू पुल विद ए 230 न्यूटन होरिजोंटल फोर्स। तो जदों तुसी 230 न्यूटन होरिजोंटल फोर्स लगाई, स्टेटमेंट पढ़ो, वंस द मतलब टू स्टार्ट द क्रेट मूविंग, मतलब क्रेट नू मोशन च लियान दे लई घट्टो घट किन्नी फोर्स चाहिदी है, 230 न्यूटन। अच्छा दोबारा देखियो बेटा, वंस द क्रेट ब्रेक्स लूज एंड स्टार्ट्स टू मूव, यू कैन कीप इट मूविंग एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी विद ओनली। तो एक बारी एक क्रेट चल पिया तो इनू कॉन्सटेंट वेलोसिटी नाल चलाई रखने लिए सिर्फ फोर्स चाहिए 200 न्यूटन, है ना। वट आर द कॉफिशेंट्स ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक। हुण तुहानू गल समझ नहीं पैनी पुत, क्योंकि आ फोर्स है जो इस बॉडी नू स्टार्ट कर रही है, जस्ट स्टार्ट कर रही है ना, इहदा मतलब ये फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन दे बराबर है, दिस इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 500 है। सो इहदा मतलब नॉर्मल रिएक्शन 500 न्यूटन है और लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर 230 न्यूटन है तो कॉफिशेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग बाय एन, है ना, 230 बाय 500 आंसर आ गया। पर जदों बॉडी नू चलाई रखना वा ਤਾਂ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਆ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੋਡੀ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਅਲੋਂਗ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 0 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਅਗਰ 200 ਔਰ ਆ ਇਕੁਅਲ ਬਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੀ 200 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ 'ਚ ਐਫ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 200 ਨਿਊਟਨ, ਤਾਂ ਮਿਊ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਐਫ ਕੇ ਬਾਏ ਐਨ, ਐਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੁੱਤ, ਐਨ 500 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5। इफ द कॉफिशेंट ऑफ
स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ए टेबल एंड ए यूनिफॉर्म मासिव रोप इज म्यू एस. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रोप कैन हैंग ओवर द एज ऑफ द टेबल विदाउट द रोप स्लाइडिंग. हुण गल नूं पुत समझ जो. देखो हुण की है तुहाडे सामने कि मान लो प्रैक्टिकली थोड़े कोल क्या एक रोप है, रस्सी है ना. हुण देखो अगर है तो बड़ी वधिया गल होएगी, गल नूं समझण लई छोटी साइज दी चाहीदी, कोई ज्यादा वड्डी नहीं है ना. हुण जिद्दां मैं इनू इनू एक रोप फॉर्म च ले आंदा है ना, इनू रोप फॉर्म च ले आंदा. हुण इनू रोप फॉर्म च ले आके पुत मान लो आ टेबल है. हुण जदों मैं इनू टेबल दे उपर इहदा रखता तो इहदा कुछ हिस्सा लटक रहा वा और ये बड़े आराम दे नाल टेबल दे उपर रेस्ट ते है, बिना स्लाइड किए ना. हुण अगर मैं इहदा कुछ हिस्सा थोड़ा जिहा होर लंबा करके, जिहड़ा हैंगिंग पार्ट है इहदी लंबाई नूं मैं थोड़ा जिहा वधा के छड्डदा, अगेन ये रेस्ट ते है, रेस्ट ते है. पर अगर बेटा मैं इनू होर थोड़ा जिहा इदा लंबा करता, इहदा कुछ हिस्सा टेबल ते है कुछ लटक रहा, होर थोड़ा जिहा लंबा करता टेबल ते है लटक रहा. हुण ध्यान दियो, हुण एक्चुअली जिहड़ा आ हैंगिंग पार्ट है ना, इस हैंगिंग पार्ट का जिहड़ा वेट है, पूरी पूरी रस्सी का वेट नहीं, इस हैंगिंग पार्ट का वेट इस टेबल दे उपर वाले पार्ट नू थल्ले नू खिचना चाहता वा, पर इस पार्ट और टेबल च जिहड़ी स्टैटिक फ्रिक्शन है वो नू रोक रही है. हुण जिद्दां आपां इस हैंगिंग पार्ट की लंबाई नू थोड़ा थोड़ा वधा रहे हैं है ना, इनक्रीज कर रहे हैं, तो इहदा मतलब पुलिंग फोर्स वध रही है और आ वाला पोर्शन जिहड़ा टेबल दे उपर है इहदा वेट घटन करके नॉर्मल रिएक्शन घट रहा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन घट रही है ना. हुण हो की रहा आ देखो, हुण हौली हौली करके हुण एक स्टेज इदा दी आनी है कि उहदे च थोड़ा जिहा वधाण ते इहने अपने आप नीचे गिर जाना. इहदा मतलब वो पुछ रहा भी एक्चुअली आपां जिहड़ा लटकदा पार्ट है उहदी मैक्सीमम लेंथ किन्नी क रख सकते हैं तां कि बाकी बची जिहड़ी रोप उपर भी है वह थले स्लाइड ना करे. जे उस तो ज़्यादा लंब जिहड़ी लंबाई है लटकन वाली वधा देंगे तो फिर रोप सारी स्लाइड करके थले गिर जाएगी. तो ये पॉइंट वो पुछ रहा वा बेटा. हुण इहदे लई तुहानू गल समझ आनी चाहीदी है, गल तां कुछ भी नहीं है कि एक्चुअली आ जिहड़ा टेबल है तो आ इहदे ते रखती आपां रोप, रोप रखती. हुण अगर इस पूरी रोप दी, फुल रोप दी लेंथ है कैपिटल एल, लेंथ ऑफ रोप कैपिटल एम है, मास ऑफ रोप तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो गया पुत, एम बाय एल. हुण मान लो आ जिहड़ा लटक रहा पार्ट है इनू मैं शेडिंग करती है ना ब्लैक दे नाल, तो इहदी लेंथ है अगर एल, टोटल लेंथ कैपिटल एल है पर लटकन वाले दी लेंथ है एल, हैंगिंग पार्ट दी लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट, हैंगिंग पार्ट. तां इस हैंगिंग पार्ट दा मास की है, मास ऑफ हैंगिंग पार्ट. तां इस एम दी वैल्यू कितना कढ सकते हैं पुत, क्योंकि हैंगिंग पार्ट दा मास पर यूनिट लेंथ ते टोटल मास पर यूनिट लेंथ बराबर है. क्यों? क्योंकि हैंगिंग पार्ट पूरी रोप दा पार्ट है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास सेम होण करके मास पर यूनिट लेंथ हर हिस्से दी सेम होएगी. तो उत्थों एम दी वैल्यू आ गई एम बाय एल इंटू एल. हुण आ जिहड़ा हैंगिंग पार्ट है इहदा वेट जिहड़ा वा ओह हो जाणा एम जी. तो ये पुलिंग पुलिंग पार्ट है, पुलिंग पार्ट खिच्चण वाला पार्ट. अच्छा हुण दूजा देखो बेटा, गल नूं समझो. हुण ये जिहड़ा पुलिंग पार्ट है, पुलिंग फोर्स है एम जी, इहनूं आ जिहड़ा पार्ट है आ वाला पार्ट, तो ये टेबल दे उपर है. हुण इहदा इहदी लेंथ किन्नी रह गई पुत, अगर आ लेंथ एल है तो आ लेंथ किन्नी रह गई, एल माइनस एल.
हुण इहदा मास किन्ना रह गया एम डैश, तो एम डैश की वैल्यू की आ जानी है मास पर यूनिट लेंथ इनटू, तो आ जिहड़ा पार्ट है इहदा वेट थल्ले नू लगेगा एम डैश जी, तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा एन। ठीक है, हुण गल नू सुनो, हुण आ जिहड़ा नॉर्मल रिएक्शन है वह तो इहनू बैलेंस करेगा। हुण क्योंकि इस सिस्टम रेस्ट पे है, इहदा मतलब इस पार्ट और टेबल दे विच केड़ी फ्रिक्शन है पुत, स्टैटिक फ्रिक्शन है, और क्योंकि यह सिस्टम इक्विलिब्रियम च है इस करके एफ एस की वैल्यू एम जी के बराबर है, क्योंकि आ पुलिंग पार्ट है और आ रोक रहा उन्हू चलन तो आ दोनों बराबर है। तो हुण थानू बेटा जे लिमिटिंग फ्रिक्शन कढ़नी होए, लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा कढ़नी है किहदे नाल, लिमिटिंग फ्रिक्शन कढ़ी दी है म्यू एस एन दे नाल, है ना। तो अगर आप मैक्सिमम की गल करिए, हुण जिदा आप लेंथ नू थोड़ा थोड़ा खिंच के वधा रहे हैं, जदों ये लेंथ मैक्सिमम हो गई, क्योंकि उस तो बाद थोड़ी जी लेंथ नू वधाने ते भी इहने स्लाइड डाउन कर जाना, इहदा मतलब उस वक्त ये फ्रिक्शन मैक्सिमम हो चुकी है किन्नी एफ एल दे बराबर। सो इस करके इत्थे हुण आपां एफ एल लिख सकते हैं ना, पर एफ एल की वैल्यू तो म्यू एस एन है और एन की वैल्यू एम डैश जी है, इहदा मतलब एफ एल किहदे बराबर हो गया म्यू एस एम डैश जी इज इक्वल टू एम जी, जी जी तो कट्टे गए, हुण म्यू एस की वैल्यू किन्नी आ गई पुत एम बाय एम डैश। हुण एम की वैल्यू और एम डैश की वैल्यू की रेशो लै लो किन्नी आ जाएगी, एम बाय एल कट्टे जाने हैं पुत, तो एल ओवर, सो इहदा मतलब हुण इत्थे देखो वन ओवर म्यू एस आ जाना थोड़ा एल माइनस एल बाय एल, तो इट मीनस इतों एल बाय एल के बराबर आ गई वन प्लस वन ओवर म्यू एस, तो हुण इहनू उल्टा कर दिओ एल बाय एल, तो आपां की फ्रैक्शन कढ़नी सी ना भी वह किन्ना हिस्सा वा जिहड़ी लेंथ लटक सकती है बिना स्लाइड किए, तो मैक्सिमम एल और टोटल लेंथ कैपिटल एल है, तो फ्रैक्शन का मतलब स्मॉल एल बाय कैपिटल एल की रेशो निकालनी है। तो इस तरीके दे नाल तुसी आंसर मीनस कि टेबल दे उपर जिहड़ी रोप है उहदा वध तो वध किन्ना फ्रैक्शन जिहड़ा वा किन्नी परसेंट लेंथ है वह लटकाई जा सकती है बिना स्लाइड किए, मैक्सिमम इन्नी है, तो इस तो घट होएगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, जे इस तो ज़्यादा करूँगे तो वह अपने आप अपने भार करके ही स्लाइड डाउन कर जाएगी बेटा, तो ये पॉइंट याद रखना ना तुसी, क्लियर है। हुण देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो, पहला सैवन देख लो फिर मैं सिक्स का कंसैप्ट दसदा तुहानू। सैवन फर्स्ट पहला देख लो, यू आर राइडिंग इन एन एलीवेटर ऑन द वे टू द 18th फ्लोर ऑफ योर अपार्टमेंट, मतलब तुसी लिफ्ट दे अंदर खड़े हैं और तुसी 18th फ्लोर वाल नू जा रहे हैं, तो जड़ी एलीवेटर है दैट इज एक्सलरेटिंग अपवर्ड विद एक्सलरेशन, तो जड़ी एलीवेटर है पुत वो उपर नू एक्सलरेट कर रही है और वो दी एक्सलरेशन दिती हुई है 1.90 मीटर पर स्केयर सैकेंड, बिसाइड यू इज द बॉक्स ऑफ मास, हुण इस लिफ्ट दे अंदर आ बॉक्स पे आ पुत इहदा मास दिता होया, हुण इह जिहड़ा बॉक्स है इहदे ते फोर्स लगनी है उहदा वेट ते नॉर्मल रिएक्शन, है ना। हुण अगली गल सुनियो, और इस बॉक्स का मास थानू दिता होया 28 kg, while the elevator is accelerating upward you push horizontally on the box to slide it at constant speed towards the elevator floor, to hun ki kita man lo aa hai door hai ha na lift da darwaja, to apan saman nu lift darwaje wal nu dhakka maarta aur jadon eh saman beta darwaje wal nu with constant speed velocity move kita
तो उदा मतलब जिहड़ी इहदे और इहदे विच की है काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, और तुसी इहनू धक्का मारिया विद फोर्स एफ दरवाजे वल नू। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा, तो इस तरफ अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस तरफ होरिजोंटल वाल एक्सेलरेशन जीरो होएगी। तो इहदा मतलब होरिजोंटल वाल सिस्टम डायनेमिक इक्विलिब्रियम च होएगा, नेट फोर्स जीरो एफ और एफ के बराबर है। पर एफ के दी वैल्यू तो होंगी है म्यू के इंटू एन, और म्यू के दी वैल्यू तुहानू किन्नी दित्ती हुई है स्टेटमेंट च बेटा, दैट इज गिवन टू बी 0.32। ठीक है, तो हुण म्यू के अगर 0.32 है तो किन्नी फोर्स नाल तुसी उन्हों पुश किया एफ वो निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड एन पता होए। हुण एन दी वैल्यू बेटा एम जी दे बराबर है, अगर इदा कहने हैं तो ये गलत हो जाना। क्यों गलत हो जाना? क्योंकि लिफ्ट एक्सलरेट कर रही है। थानू याद होना चाहिए कि जदों लिफ्ट एक्सलरेट कर रही है, गल नू सुनियो पुत, देखो तब विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ दे अकॉर्डिंगली जे मैं ये प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो अर्थ दे अकॉर्डिंगली लिफ्ट दे नाल नाल लिफ्ट दे अंदर रखिया समान भी एक्सलरेट हो रहा उपर नू, होरिजोंटली नहीं, फर्क समझो। तो हुण अगर ये समान भी एक्सलरेट हो रहा तो यदा मतलब इस समान के उपर नैट एम ए के बराबर है, एन माइनस एम जी, तो एन की वैल्यू एम ए प्लस एम जी है। सो यदा मतलब इतने एन की वैल्यू अगर एम जी ले लें तो ये आंसर गलत हो जाएगा, इस करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, समझना पैना। दूसरा, इसे प्रॉब्लम नू तुसी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट भी कर सकते हैं। हुण अगर तुसी इस प्रॉब्लम नू सॉल्व करने लिए लिफ्ट नू फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया, तो लिफ्ट तो एक्सलरेट हो रही है, तो लिफ्ट केड़ा फ्रेम बन गया बुत? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम होने करके जो ए वाला है, क्योंकि ए ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट रेस्ट दे है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एक्सेलरेट कर रहा, तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट वर्टिकल डायरेक्शन च क्योंकि ये रेस्ट दे है, इस कारण करके विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जदों इनू असी सॉल्व करना तो लिफ्ट आप एक्सेलरेट हो रही है नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो सानू ये उपर एक अडिशनल फोर्स लगानी पैनी है जिन्हों असी की कहने हैं सूडो फोर्स, फिक्टिशियस फोर्स, किन्नी मास इनटू एक्सेलरेशन। और वो डायरेक्शन की होंगी है जिधर नू नॉन इनर्शियल फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा वो ऑपोजिट। तो यह मतलब इस केस च भी एन के बराबर आए ना, क्योंकि विद रिस्पैक्ट टू लिफ्ट ए बॉडी रेस्ट पर है, तो जिनी फोर्स उपर नू उन्नी थले नू। तो दोनों तरीके नाल आंसर एन का सेम आ रहा ना, तो ये पॉइंट नू समझना पड़ेगा कि हाउ टू डील विद द गिवन प्रॉब्लम। भी नॉर्मल रिएक्शन निकालना वा तो उदे लिए देखो कि क्या वो बॉडी जड़ी है नॉर्मल रिएक्शन वाली डायरेक्शन च कितने एक्सलरेट तो नहीं कर रही, जे तो इक्विलिब्रियम च है फिर तो सिंपली बैलेंस हो जाना, बट जे एक्सलरेट कर रही है फिर वो अकॉर्डिंगली जो इक्वेजन बननी है इनू ध्यान च रखना पुत। अदरवाइज मैक्सिमम स्टूडेंट ने एन की ले लेना एम जी, तो आंसर गलत आ जाना है ना, इस करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो बेटा हूं नेक्स्ट, पहला देखो क्वेश्चन नंबर 8। हम ध्यान दियो बेटा, ए ब्लॉक इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वर्टिकल फ्रंट ऑफ ए कार्ट एज शोन इन फिगर। आ साडा बेटा एक कार्ट है, और इस कार्ट दे अगे एक ब्लॉक रखिया वा, फिक्स नहीं कीता, ये जड़ा ब्लॉक है ये कार्ट दे अगले फेस नाल टच कर रहा वा, बट फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। तो व्हाट एक्सेलरेशन मस्ट द कार्ट हैव सो दैट द ब्लॉक ए डज नॉट फॉल। हुण आ जिहड़ा ब्लॉक ए है ये अगले फेस दे नाल कॉन्टैक्ट च रख के असी कार्ट नू इदां एक्सेलरेट करना कि ये कार्ट बिना ये दे नाल फिक्स होए, मतलब इनू किसी ग्लू नाल या नेल नाल जोड़िया नहीं गया,
ठीक है। तो इनू जस्ट सरफेस के नाल टच करके और असी कार्ट नू इदा एक्सलरेट कराना कि ये बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू कार्ट फॉल ना करे। हुण ध्यान दे बेटा, हुण गल नू समझो। हुण कंडीशन की है कि ये जिहड़ा बॉक्स है जिसका मास एम है, ये विद रिस्पेक्ट टू कार्ट फॉल नहीं करना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू कार्ट रेस्ट ते रहना चाहिए। फॉल करने का मतलब हुंदा हिल गया, तो करना नहीं चाहिए मतलब जिथे है विद रिस्पेक्ट टू कार्ट उत्थे ही होना चाहिए। इहदा मतलब ये जिहड़ा कार्ट है ना, क्योंकि ये अकॉर्डिंगली बॉक्स रेस्ट ते है, तो कार्ट नू असी की मान लेना फ्रेम ऑफ रेफरेंस। गल नू समझो। हुण कार्ट एक्सलरेट कर रहा वा, इस करके एक ही है नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गया। हुण बेटा जिहड़ा ये ऑब्जेक्ट है इहदे ते एक्चुअल फोर्सेस केड़ियां लग रहियां, एक तां वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरा ये का जो बॉक्स है ये काठ दे नाल टच कर रहा है इस साइड नाल, तो नॉर्मल रिएक्शन, और तीसरा जिहड़ा वेट है पुत वो इस काठ नू विद रिस्पेक्ट टू काठ इस बॉक्स नू थल्ले ले आना चाहता, और अगर ये बॉक्स थल्ले नहीं आ रहा एदा मतलब उपर नू केड़ी फ्रिक्शन लगेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन दी मैक्सिमम वैल्यू एफ एल होएगी ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आप लिख लेने हैं, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। पुत हुण दोबारा सुनियो गल पुत, हुण ये जड़ी स्टैटिक फ्रिक्शन है, हुण ये तो सगिया तीन एक्चुअल फोर्सेस, पर क्योंकि आपां इस पार्टिकल दी बिहेवियर नू स्टडी कर रहे हैं फ्रॉम काट, और काट है नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो एक एडिशनल फोर्स लेनी होंगी है सूडो फोर्स, किधर नू जिधर नू नॉन इनर्शियल फ्रेम एक्सलरेट कर रहा वो ऑपोजिट। तो ये चार फोर्सेस आ गई हैं। हुण इन्हां चारों विचों ये तीन तो इन रियलिटी है, ये तीन फोर्सेस उदों भी लगनी है अगर आप स्टडी विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम करते हैं, पर आ फोर्स सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम करके है जिन्हों सूडो फोर्स फिक्टिशियस फोर्स कहने। हुण क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट ते है पुत विद रिस्पेक्ट टू काट, यदा मतलब ये चारों फोर्सेस करके इक्विलिब्रियम च है, जिन्नी फोर्स उपर नू उन्नी नीचे नू, जिन्नी लेफ्ट नू उन्नी राइट नू, है ना। अच्छा हुण बेटा ध्यान दियो, हुण जदों तुसी एक्सलरेशन नू इनक्रीज करूंगे, है ना, जदों एक्सलरेशन नू इनक्रीज करूंगे तो उहदे अकॉर्डिंगली आ नॉर्मल रिएक्शन भी इनक्रीज करेगा, फर्क आएगा ना। अच्छा हुण आपां इत्थे एक्सट्रीम केस मान लेने हां कि आ जिहड़ी स्टैटिक फ्रिक्शन है ये मैक्सिमम है और किन्नी है लिमिटिंग दे बराबर, तां उस केस दे विच ये मैक्सिमम होण करके अगर एफ एल है तां एफ एल दी वैल्यू एम जी आ गई पुत, और एन दी वैल्यू एम ए आ गई, तो एफ एल बाय एन की हो गया एफ एल बाय एन जी बाय ए, और एफ एल बाय एन हुंदा वा म्यू एस, ए दी वैल्यू की आ गई जी बाय म्यू एस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया ना, आंसर आ गया थानू उहदा। तो हुण मतलब ये जिहड़ियां प्रॉब्लम्स है ये आपां ऑन द बेसिस ऑफ सूडो फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला कंसेप्ट भी नाल ही इंट्रोड्यूस हो गया। हुण इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, पहला क्वेश्चन नंबर 9 दे विच स्टेटमेंट नू पढ़ो, हुण क्वेश्चन नंबर 9 च देखो बेटा, ए वेज, आ वेज है बेटा, इसका मास एम है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा वा, तो रेस्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल, मतलब इस वेज और टेबल दे विच फ्रिक्शन नहीं है, ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम इज लाइंग ऑन द वेज एंड ए होरिजोंटल फोर्स एफ
इज अप्लाई टू द वेज, व्हाट मस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ बी इफ द ब्लॉक इज टू रिमेन एट रेस्ट या एट कॉन्स्टेंट हाइट ऑन द, मतलब जदों आपां, अच्छा एक हो देखो कि आ जिहड़ा ब्लॉक है जदों इनू असी टेबल इहदे इनकलाइन सरफेस ते रखिया बेटा, तो एक होर गल सुन लो, ये भी नोट कर लो कि इस ब्लॉक और इस इनकलाइंड प्लेन च भी फ्रिक्शन लैस है, आ भी फ्रिक्शन लैस है दोनों और आ भी फ्रिक्शन लैस है पुत। हुण जे तुहाडे कोल आ वैज है, इनकलाइंड प्लेन है, फ्रिक्शन लैस, उहदे ते कोई चीज़ रखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट नूं प्लेस करते हैं, तो उन्हें अपने आप नीचे नूं आ जाना, रेस्ट ते रहना ही नहीं। पर अगर कहिंदा वी आपां इस वैज दे उपर इस ऑब्जेक्ट नूं प्लेस करके इस वैज नूं होरीजोंटल डायरेक्शन च फोर्स लगाइए, तां इदां फोर्स लगानी है कि ए वाला जो बॉक्स है ये विद रिस्पैक्ट टू वैज रेस्ट ते रहना चाहिए, जिथे है उत्थे ही रहना चाहिए। हुण ध्यान दिओ बेटा, हुण क्योंकि इस वैज दे उपर फोर्स लग रही है एफ, तो अगर फोर्स एफ लग रही है बेटा, इहदा मतलब ये वैज जिहड़ा वा वह एक्सलरेट करेगा, तो एक्सलरेशन ए आ गई। तो आपां मान लिया हुण अगर ये वैज एक्सलरेट कर रहा वा है ना, तो दूसरी गल ये बॉक्स विद रिस्पैक्ट टू वैज हिलना नहीं चाहिदा, तो इहदा मतलब असी इस प्रॉब्लम नूं सॉल्व करन लई वैज नूं की मान लेना पुत, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और क्योंकि वैज फोर्स करके एक्सलरेट हो रहा, तो यह है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ मतलब हुण जदों आपां इस बॉक्स नू स्टडी करना, तो बॉक्स के उपर एक फोर्स लग रही है वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। हुण ध्यान दे बेटा, हुण आ एंगल और आ एंगल बराबर होंगे ड्यू टू ज्योमेट्री, तो नॉर्मल रिएक्शन का इस तरफ कंपोनेंट हो गया एन कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, और आ हो गया एन कॉस थीटा। पर क्योंकि आपां ये प्रॉब्लम स्टडी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वेज, और वेज एक्सलरेट हो रहा बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो आपां सूडो फोर्स भी लानी है इहदे ते एम ए ऑब्जेक्ट ते। हुण क्योंकि उन्हें दस्या वा कि ये बॉक्स विद रिस्पैक्ट टू वैज रेस्ट ते है इक्विलिब्रियम च विद रिस्पैक्ट टू वैज, इस करके एन कॉस थीटा एम जी दे बराबर ते एन साइन थीटा एम ए दे बराबर, तो जदों रेशो लवांगे दोनों दी ते टैन थीटा बन जाएगा ए बाय जी, तो ए आ गया जी टैन थीटा। सो इहदा मतलब अगर इस वैज की एक्सलरेशन जी टैन थीटा के बराबर है, तो ये उपर रख्या होया बॉक्स स्लाइड डाउन नहीं करेगा, उत्थे दा उत्थे ही रहेगा। अच्छा हुण बेटा फोर्स किहदे बराबर हुंदी है, मास इंटू एक्सलरेशन। हुण ध्यान दियो गल नूं समझो, हुण इत्थे जिहड़ा सिस्टम है, क्योंकि बॉक्स विद रिस्पैक्ट टू वैज मूव नहीं कर रहा, उत्थे दा उत्थे ही है, इस करके ये जिहड़ा बॉक्स प्लस वैज है ये अगर सिस्टम है, तो टोटल मास हो गया एम प्लस स्मॉल एम, और एक्सलरेशन ए है, तो एक्सलरेशन नू टोटल मास ना मल्टीप्लाई करो तो टोटल फोर्स आ जाएगी, तो एफ इज इक्वल टू एक्सलरेशन इनटू टोटल मास, और एक्सलरेशन दी वैल्यू है जी टेन थीटा। तो इट मीन्स सानू अगर असी इस वैज दे उपर होरिजोंटल डायरेक्शन ते फोर्स इस दे बराबर लगावांगे, तो उस वैज दे उपर जो बॉक्स है वो जिथे है उत्थे ही रहेगा, चाहे चाहे बॉक्स और वैज दे विच कोई फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि जे वैज खड़ा हुंदा रेस्ट ते हुंदा तां फिर बेटा बॉक्स ने अपने आप नीचे आना सी ना, पर हुण वो नीचे नहीं आ पाएगा, उहदे लई कंडीशन ये आ गई। तो इस तरीके दे नाल तुहानू प्रॉब्लम नू सॉल्व करना पएगा, समझना पएगा। अच्छा हुण देखो क्वेश्चन नंबर 6 ते आ जाओ पहला। हुण जिहड़ा बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो
ए 12 kg बॉक्स रेस्ट ऑन द फ्लैट फ्लोर ऑफ ए ट्रक। तो आ देखियो बेटा, आ मैं ड्रॉ करन लगा। तो ए ट्रक हो गया और आ है बॉक्स, आ बॉक्स है और इस बॉक्स का मास 12 kg है। द कॉफिशेंट्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द फ्लोर आर, हुण इस बॉक्स और ट्रक दे फ्लोर दे जिहड़ा पिछला पासा उहदे फ्लोर दे विच जो कॉफिशेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दी वैल्यू है 0.19 और कॉफिशेंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दी वैल्यू है 0.15। ट्रक खड़ा हुआ, ट्रक स्टॉप्स एट ए स्टॉप साइन एंड देन स्टार्ट्स टू मूव विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2.20 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। और इनिशियली रेस्ट दे सी पुत्ते ट्रक, बॉक्स भी इनिशियली ट्रक दे नाल रेस्ट दे है। इफ द बॉक्स इज 1.80 मीटर फ्रॉम द रियर ऑफ द ट्रक, तो आ जड़ा बॉक्स है ना ये इस एंड तक कितनी दूर है, 1.8 मीटर। वेन द ट्रक स्टार्ट, हाउ मच टाइम इलैप्सिस बिफोर द बॉक्स फॉल्स ऑफ द ट्रक। हुण गल नूं समझो पुत, हुण जदों ये ट्रक एक्सलरेट करेगा, ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रक इस बॉक्स नू नीचे गिरन लई इथों ट्रक दे एंड तक आना पएगा। मतलब इस बॉक्स नू नीचे गिरन लई विद रिस्पेक्ट टू ट्रक किन्नी डिस्प्लेसमेंट कवर करनी पएगी बेटा, दिस वन। हुण गल नू समझो, मतलब जदों ट्रक खड़ा सी उसनू स्टार्ट कीता, एक्सलरेट कीता और ओदी स्पीड वध रही है ट्रक दी, तां ए बॉक्स किन्नी टाइम बाद जमीन ते गिर जाएगा पिछों दी आके, है ना। तो उदा मतलब इस बॉक्स नू जमीन तक गिरन लई आ डिस्प्लेसमेंट कवर करनी पएगी 1.8 मीटर। हुण ये डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रक है, इस करके इत्थे आपां की करदे आं पुत, ट्रक नू ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लैने आं और ट्रक एक्सलरेट कर रहा, इस करके ट्रक की है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हुण ध्यान दियो, ये जिहड़ा बॉक्स है पुत, इहदे ते कीड़ी कीड़ी फोर्स लगनी है। हुण मैं जान के आ बॉक्स है पुत, तो आ वाला पोर्शन 1.8 मीटर है। हुण इस बॉक्स ते एक तो फोर्स लग रही है वेट, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। हुण इस तो इलावा क्योंकि बॉक्स ते ट्रक दे विच फ्रिक्शन भी है तो फ्रिक्शन लगेगी। अच्छा, होर केड़ी फोर्स लगेगी, क्योंकि आपां विद रिस्पेक्ट टू ट्रक स्टडी कर रहे हैं तो ट्रक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो सूडो फोर्स, सूडो फोर्स किधर नू लगेगी बेटा, क्योंकि ट्रक आ देखो तो इधर नू एक्सलरेट कर रहे हैं तो सूडो फोर्स इधर नू आएगी। हुण गल नू समझियो, पहला आपां एक टेस्ट करना वा, क्योंकि एन एम जी दे बराबर है तो एम दी वैल्यू दिती हुई है 12, जी 10 ले लेने हैं बेटा, तो एन हो गया 120 न्यूटन। कॉफिशेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दी वैल्यू 0.19 है, तो इस करके लिमिटिंग फ्रिक्शन दी वैल्यू म्यू एस एन 0.19 × 120। किन्नी आ जाएगी, ट्वेंटी 2.8 न्यूटन।
अच्छा हुण बेटा मास इंटू एक्सलरेशन करिए आपां, ध्यान दियो मास इंटू एक्सलरेशन, मास दिता होया 12, एक्सलरेशन है 2.20, कितनी आ जाएगी? दिस वन। हुण एक्चुअली आ जड़ी फोर्स है 26.4 न्यूटन, हुण गल नूं समझो, ये फोर्स की कर रही है पुत, ये फोर्स इस बॉक्स नूं विद रिस्पेक्ट टू ट्रक चलाने की कोशिश कर रही है, और इन्हें तां चला पाना अगर यदि वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन तो ज्यादा वा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, क्योंकि 22.8 न्यूटन है, म्यू एस एन तो कड़ी है, तो एम ए की वैल्यू 26.4 न्यूटन है, तो यदा मतलब एम ए, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन तो ज्यादा वा, यदा मतलब ये बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रक पिछे नू स्लाइड करेगा, है ना? तो हुण यदा मतलब जे स्लाइड करेगा तो आ वाली फ्रिक्शन काइनेटिक होएगी, और काइनेटिक फ्रिक्शन की होंगी है म्यू के एन। हुण के की वैल्यू 0.15 है, हुण अगर आप इतने करांगे तो 18 न्यूटन आ जानी है, ठीक है ना? 0.15, एन की वैल्यू तो वही रहनी है 120, तो 18 न्यूटन आ गई। तो हुण बेटा ध्यान दियो, हुण गल नूं समझो, आ की है ए, ए ट्रक दी एक्सलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ दे अकॉर्डिंगली, ठीक है? हुण आ जिहड़ा बॉक्स है, आपां ट्रक दे अकॉर्डिंगली उहदी एक्सलरेशन की लिख दिंदे आ, कि मान लो आ है एक्सलरेशन ऑफ बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। हुण आ जिहड़ी एक्सलरेशन है किदां निकाल सकदे हां बेटा? तो नेट फोर्स एम ए बी टी किहदे बराबर होनी है? एम ए माइनस एफ के। तो ए बी टी की वैल्यू किन्नी आ गई? ए माइनस एफ के बाय एम। तो ए की वैल्यू है 2.20 माइनस एफ के की वैल्यू है 18, और आ 12 है, तो ए हो गया 1.5, 0.7 मीटर पर। हुण इस एक्सलरेशन दे नाल बॉक्स नू ट्रक तो थल्ले गिरन लई किन्ना डिस्टेंस कवर करना पैना बेटा? 1.8 मीटर। तो फार्मूला लाना, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। हुण एस दी वैल्यू है 1.8, क्योंकि इनिशियली बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रक रेस्ट ते सी 0, प्लस हाफ ए दी वैल्यू आपां 0.7 कड्डी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक टी दी, हुण इथों टी निकाल लेना। तो इहदा मतलब इन्ने टाइम बाद जो बॉक्स है वो ट्रक तो नीचे गिर जाएगा। तो ये स्टेटमेंट नूं इदां समझना पुत, स्टेप बाय स्टेप चलना पैना वा, याद नहीं होना इनू आपां नूं, मतलब कंसैप्ट नूं याद करके स्टेप बाय स्टेप अगे वधना पैना ना, भी पहला स्टेप किदां सोचना, क्योंकि सानूं बॉक्स ट्रक दे पिछे दित्ता वा, और बॉक्स ने नीचे गिरन दे लई 1.8 मीटर जिहड़ी डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है वो विद रिस्पेक्ट टू ट्रक करनी है, इस करके ट्रक नूं असी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेने हां तां आसानी होएगी, और ट्रक क्योंकि एक्सलरेट कर रहा वा इस करके वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, सूडो फोर्स आ जानी है। फिर आपां देखना वा कि क्या जिहड़ी सूडो फोर्स है वो बॉक्स नूं विद रिस्पेक्ट टू ट्रक चला पाएगी कि नहीं चला पाएगी, हिला पाएगी कि नहीं हिला पाएगी। उहदे लई देखना पैणा कि एम ए दी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन तो अगर ज्यादा वा तो उस केस जो एक्सेलरेट करेगा, तो इट मीनस फिर बॉक्स और ट्रक दे विच जिहड़ी फ्रिक्शन है वो स्टैटिक नहीं काइनेटिक होएगी, और फिर देखना भी एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रक किन्नी होएगी, तो ये सारा कुछ जोड़ दे जाना है ना। अच्छा हुण सानू पता लग गया भी टी टाइम जिहड़ा वा, तो इस टाइम के दौरान जो बॉक्स है वो गिर जाएगा। हुण उन्हें लास्ट क्वेश्चन ये भी पूछा, नारायण नारायण,
समय लग गई पुत। हाँ इन प्रैक्टिस कर लियो सारे जने। अच्छा इधर लास्ट पार्ट, उन्हें लास्ट पार्ट पूछे हुआ, हाउ फार डज द ट्रक ट्रैवल इन दिस टाइम। हुण एक गल होर सुनो, मीन्स जिन्ने टाइम दे विच बॉक्स गिरन लगा उन्ने टाइम च ट्रक विद रिस्पेक्ट टू अर्थ किन्ना डिस्टेंस कवर करेगा। हुण देखो, हुण जदों आपां ट्रक दे नाल डील करना पुत्र, तो ट्रक दे केस च ट्रक दा डिस्टेंस कढ़ना विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो ट्रक दी एक्सेलरेशन दित्ती हुई है 2.20 मीटर पर स्केयर सेकेंड, ट्रक दी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ट्रक जेड़ा वा उन्हें किन्ना डिस्टेंस कवर करना किन्ने टाइम च, टी वाला टाइम च। हुण आ टी टाइम आपां कढ चुके हैं, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर च पुट करके उतों तुसीं दस सकते हैं कि जिन्ने टाइम च बॉक्स, क्योंकि ट्रक खड़ा सी रेड लाइट ते, है ना, तो उस तो बाद जदों रेड लाइट ग्रीन च कन्वर्ट हुई, ट्रक चल पिया एक्सलरेट करन लग पिया, तां ट्रक दे विचों समान जिन्ने टाइम च गिरेगा उस वक्त ट्रक उस रेड लाइट तो किन्नी दूर जा चुका होएगा, वो आपां एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर तो कढ़ लेना। पर हुण क्योंकि इत्थे असी ट्रक दी डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पैक्ट टू अर्थ लैनी है, तो आपां इत्थे ट्रक दी एक्सलरेशन लैनी है विद रिस्पैक्ट टू अर्थ वाली, और जिहड़ा टाइम है वो लेना वा जिन्ने टाइम च बॉक्स ट्रक तो नीचे गिरिया ते यू 0 है, तो उहनू कैलकुलेट करके फाइनल आंसर निकाल लेना। तो इस तरीके दे नाल बेटा ये सॉल्व करना तुसीं। हुण देखो, हुण लास्ट क्वेश्चन है, मतलब ये जिहड़े आपां न्यूमेरिकल्स ट्राई कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, तो इहदे नाल एक तां सानूं कंसैप्ट क्लियर हो रहा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम नूं कितना सिलेक्ट करीदा, मतलब वो किसी ने थानू दसना थोड़ी है भी नॉन इनर्शियल फ्रेम नाल करो, वो थानू पता होना चाहिए है ना, भी हुण इत्थे जो गिवन क्वांटिटीज है वो अकॉर्डिंगली केड़ा फ्रेम सानू सूट करेगा, और ये सारा प्रैक्टिस तो निकलेगा वो, तो घबराने की लोड़ नहीं है कि ये नहीं समझना कि एक बार दस्या वा तो आपां पूरी 100% गल समझ आ गई है ना, समझ आ जाएगी, बट उन्होंने अप्लाई करन लगे बड़ियां प्रॉब्लम्स आन गियां, उन्होंने ओवरकम करने का तरीका है कि उस प्रॉब्लम नू 2-3 बारी आप ट्राई करो, फिर कंसैप्ट क्लियर होने हैं, और एक बारी कंसैप्ट क्लियर हो गया तो फिर उस तो बाद जड़ी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए थोड़ा माइंड सैट होएगा भी आ स्टेप्स फॉलो करके इन सॉल्व करना, तो फिर प्रॉब्लम्स नू याद रखने की लोड़ नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, ए वेज विद मास कैपिटल एम रेस्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस होरिजोनटल टेबल टॉप। तो आ टेबल टॉप के ऊपर एक वेज लाई कर रहा हो, तो यदा मास एम है और फ्रिक्शनलेस केस है ना, ए ब्लॉक विद मास एम इज प्लेस्ड ऑन द वेज, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड वेज, मतलब आ भी फ्रिक्शनलेस ही है, द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज एंड द होरिजोनटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, डू योर आंसर्स टू पार्ट ए रिड्यूस टू द। अच्छा पहला आप इत तक आईए बेटा, हम एक्चुअली गल नू फर्क नू समझो पुत, जिहड़ा पिछला क्वेश्चन सी ना उदे विच जो ब्लॉक सी वो इनकलाइन वेज के उपर लाई कर रहा सी, और वेज नू असी पुश कर रहे सी इदां ताकि ब्लॉक विद रिस्पैक्ट टू वेज उत्थे दा उत्थे ही टिकिया रहे। हुण इत्थे जिहड़ा ब्लॉक है ना उन्हों वैज के उपर रखता, और क्योंकि फ्रिक्शनलैस केस है तो जो ब्लॉक ने नीचे आना वा तो ब्लॉक के नीचे आन करके जोड़ा वैज है उन्हें एक्सलरेट करना। हम दो गल्च फर्क है, पिछले न्यूमेरिकल वैज में असी फोर्स लगा के एक्सलरेट करवाया से, हूँ इतने इस वैज ने ब्लॉक के नीचे आन करके आप एक्सलरेट करना बुद्ध, ये दो पॉइंट्स फर्क समझ आना चाहिए। हुण देखो जदों ये ब्लॉक नीचे आएगा तो आ जिहड़ा वैज है ये एक्सलरेट करेगा, तो ब्लॉक के नीचे आने के नाल ये वैज पिछे नूं आएगा,
क्योंकि नीचे नू या ऊपर नू तो वेज जा नहीं सकता, तो ये इस तरफ एक्सेलरेट करेगा। अच्छा हुण बेटा आ जिहड़ा ब्लॉक है तो आपां एक डायरेक्शन सिलेक्ट कर लैने आ इनकलाइंड प्लेन दे परपेंडिकुलर, एक डायरेक्शन सेट कर लैने आ इनकलाइंड प्लेन दे पैरेलल। इनू आपां एक्स एक्सिस मान लैने आ, इनू वाई एक्सिस। ये टिपिकल प्रॉब्लम है, ये पर्टिकुलरली जेई मेन्स या एडवांस वाले लिए है ना खास करके, तो ये नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है। तो जड़िया पिछलियां प्रॉब्लम सी वो हर तरह के स्टूडेंट नू करनी चाहिए है, बट आ प्रॉब्लम जी है करनी तो हर एक नू चाहिए है। टारगेट बड़ा रखांगे ताई कुछ अचीव होना, बट मीन्स ये प्रॉब्लम नू समझ ले। देखो बेटा हुण आ जड़ा बॉक्स है, अगर हुण तक ध्यान दे पुत, हुण अगर आ वाला ब्लॉक फिक्स हुंदा तां इहने उत्थे दा उत्थे रहना सी, इहदी ए जीरो होनी सी, ते जदों इन्हें ब्लॉक ने नीचे नू आना सी इन्हें हमेशा एक्स एक्सिस वाल मूव करना सी। पर हुण की होएगा कि आ जिहड़ा बॉक्स है, क्योंकि इन्हें भी अपनी जगह पिछे नू आ जाना, तो आ जिहड़ा ब्लॉक है ना ये जिहड़ा पाथ फॉलो करेगा वो अलोंग एक्स एक्सिस नहीं करेगा, एक्स वाई प्लेन च करेगा। हुण आपां थोड़ी देर लई मान लैने आ कि आ जिहड़ा ब्लॉक है इहदी एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा कंपोनेंट है अलोंग वाई एक्सिस। मतलब आपां इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन मान ली अलोंग एक्स एक्सिस, दूजी मान ली अलोंग वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, है ना, या विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक ही कर लो, आप ब्लॉक में ही ले लेंगे, नॉन इनर्शियल ले लेंगे। हुण ब्लॉक दी एक्सेलरेशन उपर नीचे नहीं हो सकती, सिर्फ तो लेफ्ट नू मान लिया आपां ना, आ एक्सेलरेशन है वेज दी और आ एक्सेलरेशन दे कंपोनेंट्स है ब्लॉक दे ए एक्स एंड ए वाई। हुण बेटा जदों तुसी इस प्रॉब्लम नू सॉल्व करना, आ जिहड़ा तुहाडा वेज है आ वेज, इहदे ते एक फोर्स लगनी है वेट, क्योंकि ये वेज और सरफेस जुड़े हुए हैं। दूजा इहदे ते फोर्स केड़ी लगनी है, क्योंकि इस वेज ने है ना नॉर्मल रिएक्शन, इहदा वेट लगना, और क्योंकि ये वेज नीचे वाले सरफेस नाल कांटेक्ट च है तो नॉर्मल रिएक्शन भी लगना। तीसरा बेटा इस वेज ने इस बॉक्स के नाल कॉन्टैक्ट होने करके इहदे ते नॉर्मल रिएक्शन लगाना, ते अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ इन्हें इहदे ते नॉर्मल रिएक्शन लगाना। तो आ वेज के उपर फोर्सेस लग रही हैं। हुण पुत्र क्योंकि आ एंगल थीटा वा, आ एंगल, हुण अगर आ एंगल थीटा वा तो हम देखो आ जी डॉटेड लाइन है ये परपेंडिकुलर है और आ वाली सॉलिड लाइन ये परपेंडिकुलर है, तो आ एंगल थीटा होने करके एन टू का कंपोनेंट हो गया एन टू कॉस थीटा एन टू साइन थीटा। हूँ बेटा क्योंकि वेज वर्टिकल डायरेक्शन इक्विलिब्रियम च है, तो वर्टिकल डायरेक्शन एक फोर्स है एम जी, दूसरी है एन वन, तीजी है एन टू कॉस थीटा। एन टू कॉस थीटा ते एम जी थले नू है, ए उपर नू है, इहदा मतलब एन वन की वैल्यू आ गई एन टू कॉस थीटा प्लस एम जी। और आ जिहड़ी फोर्स है ये लैफ्ट वाल लग रही है और ये एक्सलरेट भी लैफ्ट वाल कर रहा है, तो इहदे ते नैट फोर्स एम ए कितनी हो गई एन टू साइन थीटा। तो आ दो इक्वेजन्स आ गई हैं। हुण बेटा इहदे वाल आ जाओ, इहदे वल आ जाओ। हुण आ जिहड़ा बॉक्स है इस बॉक्स दे इहदी एक्सेलरेशन एक अलोंग एक्स एक्सिस है एक अलोंग वाई एक्सिस है। अच्छा हुण इहदा जिहड़ा वेट है, वेट उहदा एक कंपोनेंट आ जाना एम जी साइन थीटा और दूसरा आ जाना एम जी कॉस थीटा, ठीक है, एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा। तीजा पुत्र क्योंकि इस बॉक्स ने
ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਗਰ N2 ਲਗਾਇਆ ਤੋ ਆ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਣਾ N2 ਤੋ ਆ ਬਾਕਸ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੈਜ ਕਰਕੇ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਵੈਜ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਯਾਦ ਰੱਖਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ax mg sin theta ਔਰ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ may ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗੀ ਪੁੱਤ ਤੋ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਣਾ तो आ इक्वेशन आ गई अच्छा हूं देखो एक्चुअली एक गल होर क्योंकि ये जड़ा कंसैप्ट है ना एक बड़ा ही डिफरेंट कंसैप्ट है ये एक कंडीशन आती है पुत वो सैपरेटली भी आप जिहड़े बच्चे जेई मेन्स एडवांस लई तैयारी करना चाहते हैं वो मैं क्लास लावांगा स्पैशल उन्हां लई बाकियां नूं करन दी नहीं लोड़ वो ये है कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਦੋ ਬਾਡੀਜ਼ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਬਾਡੀਜ਼ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਹ ਕਾਮਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਸਰਫੇਸ ਤੋ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਬਾਡੀਜ਼ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ मूव कर दिया वा जुड़ के दा मतलब कठिया नहीं मतलब दोनों दे सरफेस जुड़े हुए है बट वो अलग अलग मूव कर सकदियां वा सैपरेटली उन्हां दी एक्सलरेशन हो सकती है पर जदों दो बॉडीज़ दे सरफेसिस मोशन दे दौरान आपस च जुड़े रहनगे तां उन्हां दे विच जिहड़ा कॉमन इंटरफेस होएगा जिथे वो जुड़िया हुई वा तो उस सरफेस दे परपेंडिकुलर दोनों दी एक्सलरेशन दा कंपोनेंट बराबर होएगा हुण इधर ध्यान दियो बेटा ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਜ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵੈਜ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਜ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਾਮਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਈਓ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਹ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਹੋਏਗਾ तो एदा इधर नू कंपोनेंट दा ए कॉस थीटा वा बट इधर नू ए साइन थीटा तो आ वाली जिहड़ी एक्सेलरेशन है ए वेज दी है और ए एक्सेलरेशन दा ओ कंपोनेंट है जिहड़ा कॉमन इंटरफेस दे परपेंडिकुलर ते जबकि आ वाली एक्सेलरेशन बॉक्स दी है और एदी डायरेक्शन भी कॉमन इंटरफेस दे परपेंडिकुलर है एदा मतलब ए वाई दी वैल्यू ए साइन थीटा दे बराबर होगी तो थोड़े सामने आ इक्वेशन है एक दो तीन चार पांच तो इन्हों यूज करके तुसी रिक्वायर्ड रिजल्ट निकाल सकते हैं है ना बट हाले इन इतने एज सच इदा ही छड़ देना आपां इस तो अगे करन दी नहीं लोड़ तो इहदे नाल दा कंसैप्ट नू सैपरेटली डिस्कस करांगे बट एक नवा कंसैप्ट है जो कि थोड़े माइंड च होना चाहिए ना कि इस तरह भी प्रॉब्लम सॉल्व की जानी है और इहदे नाल साडा टाइम बचेगा टाइम सेव होएगा हूँ एक गल आप याद की रखी है इस कंसैप्ट मैं न्यूमेरिकल ता इंट्रोड्यूस किया वा ताकि सानू पता लग जाए कि अगर थोड़े सामने दो बॉडीज जड़िया वा वो जुड़िया हुई और दो बॉडीज जो है उन्हां दी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सलरेशन चाहे अलग अलग है पर उन्हां दे मोशन दे दौरान जिहड़ा उन्हां दा कॉमन इंटरफेस है जिथे वो टच करके चल रही हैं एक दूजे दे अकॉर्डिंगली तो उदे परपेंडिकुलर उस सरफेस दे परपेंडिकुलर उन्हां दोनों बॉडीज़ दी डिस्प्लेसमेंट दे कंपोनेंट्स वेलोसिटीज़ दे कंपोनेंट्स ते एक्सेलरेशन दे कंपोनेंट्स सेम होंगे तो ये रिजल्ट नू हाले याद रखना इस नू आपां फर्दर पूरा सॉल्व करके देखांगे तो हुण बेटा